नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आद्यालं नमो अध्यायालं नमो लोये सवशाकुलं शुद्धात्मान मनीकांतं साधयुक्तं मंगलं वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदस्यास्तु प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु सहस्रनाम। मंगलमय मंगलकरण विपराग विज्ञान नमः ताहि आते भय अरहंताद महान नमः श्री वर्धमाना निर्भूत कलिदात्मने आलोकानां लोकानां रूपे आय सत्य धर्म या शौच धर्म बड़ी उलझन है लोगों में। उलझन की कोई बात नहीं है। धर्म के दसों लक्षण एक साथ युगपत होते हैं। जहां सत्य होता है वहीं शौच होता है और जहां शौच होता है वहीं सत्य रहता है। पंडित चंद जी ने लिखा शौच सांस के बड़ा समीहा, शौच और सत्य के बड़ा स्नेह है, एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं। और अकेले शौच और सत्य की बात ही नहीं, सारे धर्म एक साथ। धर्मात्मा के जीवन में क्षमा भी होगी, विनय भी होगी, सरलता भी होगा, संतोष भी होगी, उसका आचरण ज्ञान श्रद्धा सच्ची होगी, सत्य धर्म भी होगा, संयम भी होगा, तप भी होगा, त्याग भी होगा, आकिंचन भी होगा, ब्रह्मचर्य भी होगा। थोड़े रूप में हो तो सब थोड़े थोड़े होंगे, बड़े रूप में हो तो बड़े होंगे। एक दृष्टांत पहले दिया था कल, छोटा बालक है तो अभी आठ अंग है और बड़ा छह फुट का आदमी है तो अभी आठ अंग। ऐसा तो नहीं है तो उसके पांच हो, उसके चार हो, उसके आठ हो, ऐसा नहीं। अंतर ये उस बच्चे की उंगली छोटी छोटी होंगी, उसकी बड़ी बड़ी होंगी। अब 42 फुट की प्रतिमा है तुम्हारी पद्म, अब हाथ भी कितने होंगे बता, उसी अनुपात में होंगे। और इतनी सी प्रतिमा है तो उसी हाथ में, ऐसा तो नहीं बिना हाथ की होगी। नांग हीनम मलम छेतुम, अंग रहित तो होता ही नहीं है, सम्यक्त भी नहीं होता। वो सम्यक्त के प्रसंग में है, नांग हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम, मतलब निसंगता निकांतता सब एक साथ होती है, युगपत होती है, कम ज्यादा होना अलग बात। ऐसी ये क्षमा माधव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक साथ का मतलब क्या? सब ब्रह्मचारी होती है? अरे सब ब्रह्मचारी होने की बात नहीं, ब्रह्मचर्य भी अनुवर्त रूप में होगा। ब्रह्मचर्य के भी तो एक सामान्य ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ये सब अलग अलग भेद है। इस प्रकार के भेदों को पढ़ करके सुन करके उलझन में नहीं पढ़ना चाहिए, ये विविक्षा भेद है, विरोध नहीं है इनमें। कहीं भोगोपभोग परमाण व्रत को शिक्षा व्रत में लिखा, कहीं गुण व्रतों में लिखा, और दोनों आचार्य। अरे भाई कहीं राग को धर्म नहीं लिखा, सीधी बात है। कहीं मूल गुण किसी भी विक्षा से लिख दिए, कहीं मूल गुण किसी भी विक्षा से लिख दिए, कई मूल गुण में पंच अणु क्या नाम पंच अणुव्रत शामिल किए, पांच अणुव्रत
और मध्यमास मधु का त्याग, उदम्बर फलों का त्याग और मध्यमास मधु लिख दिया। कई मूल गुण में जीवा त्याग को शामिल कर लिया। मतलब ये है प्रधान आचरण मुख्य आचरण है, इसके बिना श्रावक पना शोभता नहीं है। ऐसे लोक निंद कार्यों का त्याग, तीव्र हिंसात्मक प्रवृत्तियों का त्याग, ये समझिए। ऐसे ही दिनों में अब देखो, अभी हम कह रहे समय सार में जब तत्वों की चर्चा आई तो आश्रव संवर निर्जरा बंद और मुक्त, आश्रव संवर निर्जरा बंद मुक्त, उनके सामने ये व्यवस्था है। एक सोच रहा कि बंद के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, आश्रव के अभाव पूर्वक संवर होता है, तो उन्होंने आश्रव के बाद तुरंत संवर लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। उमा स्वामी महाराज तत्वासी जब लिखने बैठे तो जीव अजीव आश्रव बंद संवर ने गया, वो भाई आश्रव पूर्वक बंद होता है और यहाँ आश्रव के अभाव पूर्वक संवर होता है, यहाँ भाव की व्यवस्था ले लिया, बंद की व्यवस्था ले ली, कोई बात नहीं। तो साहब पहले क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, जो लिखा है उसके अभिप्राय को समझिए। सत्य और सोच में जो आपको पहले करना है सो कर लो, कोई बात नहीं। बोलो क्या करना है? इसी सलाह आएगी, सोच पहले बोल। अब विधान सवेरे हुआ सत्य तो हम नहीं चलो सत्य बोलोगे, क्या फर्क पड़ता, कल सोच बोल। वही सत्य के बिना, सत्य को समझे बिना पवित्रता कैसे आएगी? और यहाँ कहते क्रोध मान माया और फिर लोभ आ गया, अब बीच में ये सत्य काय को दे दिया, कोई बात नहीं। दोनों विविक्षाएं आगम में हैं और इन विविक्षाओं को वीतरागता की ओर बढ़ाने वाली दृष्टि से ग्रहण करो। तो सत्य, अब सत्य व्रत में भी बड़ी समझ ये विवक्षा भेद है। प्राचीन पद्धति जो अभी तक चलती रही वो सत्य वचन की प्रधानता से चलती, सबका चार में भी सत्य वचन को ही सत्य धर्म कह लें। और नई विविक्षा जब आई तो उन्होंने कहा सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों अलग, क्यों अलग? तो भाई देखो, सत्य धर्म आत्मा का है और वचन पुद्गल के, एक बात। दूसरी बात, सत्य धर्म वाले धर्मात्मा को बोलना कोई जरूरी थोड़ा ही है कि सत्य बोले, अरे मौन होगा, मौन भी तो हो सकते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य भी नहीं बोल रहे, हम मौन हैं, क्या परेशानी? लेकिन जब बोलेगा तब सत्य ही बोलेगा। जब बोलेगा तब सत्य बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। क्यों? जो समझेगा वही तो बोलेगा। आपसे पूछेंगे ये क्या है तो आप कहोगे चश्मा है, और इनसे पूछेंगे ये क्या है, ये बाल बोध पढ़ते होंगे तो ये पुद्गल, और इनसे पूछेंगे तो ये कह देंगे अजीब है, कोई बात नहीं। अगर ममत्व तो नहीं छूटा है तो चाहे चश्मा कहो चाहे पुद्गल कहो चाहे अजीब कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ममत्व छूट गया है तो न विविक्षा से आप उसको कुछ भी कह दें। आगम के कथनों में उभय नय विरोध ध्वंसन स्यात् पदान, स्यात् शब्द लगा करके विरोध का ध्वंस कर लेना चाहिए। जो आपको विरोधी से लगते हैं उन विरोध विरोध तो कथाओं में होता है, विरोध अज्ञान में होता है। ज्ञानियों में काय का विरोध? कल अपन चर्चा कर रहे थे
आंख कहती है मिश्री सफेद है, हाथ चेहरा मिश्री कठोर है, जिभ्या करी मिश्री मीठी है, इन आंख नाक कान में विरोध क्या? अपने अपने विषय को करें, विषय भेद को। ऐसे ही यहां ये बताओ, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, एक धर्म की मुख्यता से ही कथन होगा, अनेक धर्म अनंत धर्म एक साथ कैसे कहे जाएं? तो कहीं कोई धर्म को मुख्य करके कथन किया, कहीं कोई धर्म को मुख्य करके कथन कर दिया, इसमें क्या परेशानी हो? अरे भाई, सत्य धर्म भी साम्य भाव रूप है और शौच धर्म भी साम्य भाव रूप है। सत्य धर्म का मूल भी सम्यक दर्शन है। सत्य धर्म किसको कहेंगे? धर्म माने इसी शराब का चार में से बोलो आप, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्मेश्वरा है धर्म के ईश्वर, धर्म के स्वामी, जिन्हें धर्म प्रकट हुआ है, जो धर्म के प्रणेता हैं, वे धर्म के ईश्वर। किसे धर्म कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। अब सत्य धर्म तो आत्मा का धर्म है और सत्य वचन ये पहुंच गले का, लेकिन सत्य धर्म को भी सत्य वचन के द्वारा ही तो कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा आप बताओ? वचन के द्वारा कथन है, वचन के द्वारा ही कथन होता है, तो सत्य धर्म को कहे कैसे आएंगे? अगर वैसे देखे तो गूंगे का घोड़ है कैसा है, बस उसकी मुद्रा बता रही है बढ़िया है। गूंगे का घोड़, गूंगे ने घोड़ खाया बहुत मीठा है, बस अब वो कह तो नहीं पाएगा मीठा। सवेरे हम कह रहे थे साधु कहेगा थोड़ी हम साधु, लेकिन उसकी जो ध्यान मुद्रा है, उसकी प्रसन्न मुद्रा, वो बता रही है कोई साधु पुरुष है। कल कहा था ये बता रही है, आपकी उदारता बता रही है कोई बड़े आदमी। उदारता का क्या? तो सत्य धर्म सत्य वचन के द्वारा ही कहा जाएगा। आपके रमोकार मंत्र में अरहंत को पहले नमस्कार किया गया है, सिद्ध भगवान से पहले, जबकि सिद्ध पद बड़ा है। क्यों? अरहंत भगवान में भी तीर्थंकर को प्रधान करते, तो उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तो सत्य धर्म को कहने वाला सत्य वचन है, अब उसे उपचार से धर्म कह दिया, कोई बात नहीं। सत्य वचन के द्वारा धर्म कहा जा रहा है, तो भीतर क्या है? भीतर क्या है? धर्म है ना। वचन के द्वारा ही लोक में प्रवृत्ति होती है, सत्य वचन के द्वारा सत्य धर्म की प्रवृत्ति होती है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, और खोटे वचनों के द्वारा खोटे तीर्थ की, खोटे धर्म मतों की प्रवृत्ति होती है। आपने प्रसिद्ध दृष्टांत पढ़ा होगा, जो सत्य धर्म के प्रसंगों में दिया भी जाता है, अजय यष्टभ्यम। अज का अर्थ बकरा कर दिया, सो हिंसक यज्ञों की प्रवृत्ति हो गई, और अज शब्द का अर्थ बिना उगने वाला धान, बिना उगने वाला धान, चावल जैसे बिना छिलके का है उगेगा नहीं, तो उसके द्वारा यज्ञ मैंने पूजा की, तो वो तुम्हारी अहिंसक यज्ञ।
अब हिंसक यज्ञ की प्रवृत्ति काय के द्वारा हुई ये बताओ, सावध्य वचनों के द्वारा। हिंसात्मक वचनों के द्वारा, वचन के द्वारा वो प्रवृत्ति हुई है ना, किसी किसी के वचनों के द्वारा ही वो मार्ग चला हुआ कोई ना कोई। तो परस्पर ज्योति ज्योतक संबंध कह लो, निमित्त निमित्त संबंध कह लो, वाची वाचक संबंध कह लो, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग थोड़ा सा भेद है सूक्ष्म वचन और शरीर और मन, मन वचन का। तो मन माने भावात्मक दृष्टि ना, तो विचार, उन भावों का और वचन और काया की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उपचार करके एक दूसरे को कहने की भी प्रवृत्ति जिनागम्य शैली है। क्रियाओं को देख करके भी धर्मात्मा कहने की शैली है। वास्तव में क्रियाएं धर्म नहीं है, क्रियाएं सारी क्रियाएं पौगलिक हैं, लेकिन उन क्रियाओं के काल में जो भाव चल रहे हैं वो भाव कौन से हैं। देखो शुद्ध भाव का धर्म ये निश्चय कथन हो गया, ठीक है ना, और शुद्ध भाव का सहचर जो शुभ भाव है उसे धर्म कहा, वो व्यवहार में कहा हो गया कथन। अब वो व्यवहार एक प्रकार का तो है नहीं। अरे आप मामा कोई मामा कहते हो अकेले? नहीं, अकेले मामा कोई मामा नहीं कहते, मामा के मित्र को भी मामा कहते। और हिंदुस्तान की तो इतनी उदार संस्कृति है, एक गांव की बेटी सारे गांव की बेटी है, वो सारे गांव के मामा, नाऊ मामा, धोबी मामा, सब मामा मामा मामा। अब विचारना कि वो मामा, एक तो मामा को मामा कहा, एक मामा के मित्र को मामा कहा, मामा के साथ आने वाले को मामा कहा, क्या एक से मामा है? एक से मामा है? हमें मामा के साथ आया हुआ आदमी कोई मतलब नहीं है उसे, लेकिन हम उसका स्वागत सत्कार इसलिए कर रहे हैं कि मामा को बुरा लगेगा, हमारे मित्र को पूछा भी नहीं। अगर उसके साथ कोई दूसरे प्रकार का व्यवहार करेंगे तो मामा को बुरा लगेगा ना, वो व्यवहार मामा के साथ है। जब लोक व्यवहार में हम एक मामा की जगह कितने मामा प्रयोग कर लेते हैं, तो एक व्यवहार की जगह कितने व्यवहार प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे हम? आप एक सद्भूत व्यवहार होगा, एक असद्भूत व्यवहार होगा, एक औपचारिक व्यवहार होगा, एक अनौपचारिक व्यवहार होगा। इतने व्यवहार तो बहुत सरल हो गए, अब पढ़े लिखे हो, बाद बाकी तो बहुत व्यवहार। जब शुद्ध भाव को धर्म कहेंगे, शुद्धोपयोग को धर्म कहेंगे, तो शुद्धोपयोग के सहचर को क्या कहेंगे ये बताओ। जब इसको मामा कहेंगे तो मामा के साथ आने वाला वो उसको क्या कहेंगे? मामा ही जैसा है वो, उसको भी तो शुद्धोपयोग के साथ होने वाला जो शुभ भाव है, ध्यान रखना, शुद्धोपयोग के साथ होने वाला शुभ भाव उसको भी व्यवहार कहेंगे, व्यवहार से उसे भी धर्म कहेंगे। और शुद्धोपयोग की भावना रूप जो व्यवहार है उसको भी हम व्यवहार उसको भी क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। धर्म की भावना उसको भी धर्म कहेंगे। आप जो पूजा पाठ स्वाध्याय करें ये भी धर्म ध्यान कहेंगे। अब क्या करते हो आप? कुछ नहीं, अब तो धर्म ध्यान लगे। ये सब व्यवहार में ऐसे कथन समझना पड़ेंगे। अगर इन्हीं को धर्म ध्यान मान करके बैठ जाओगे तो परमार्थ धर्म ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और इनको अगर धर्म ध्यान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये बताओ आप? पूर्वचर व्यवहार,
सहचर उत्तरचर ये सब भेद हैं। आगम का अभ्यास करोगे तो सब पढ़ोगे समझोगे। मंदिर आए सम्यक दृष्टि का देव दर्शन व्यवहार धर्म है। मिथ्या दृष्टि का देव दर्शन परमार्थ है ही नहीं उसका, तो काय का व्यवहार। नहीं नहीं उसको भी व्यवहार कहेंगे। क्यों? वो मिथ्या दृष्टि का देव दर्शन भी कोई लौकिक कामों के लिए नहीं है। उसका भी देव दर्शन अपनी परिणति को निर्मल बनाने के लिए है, उस उद्देश्य से। इसलिए उसको भी हम आत्मदर्शन होने का निमित्त, आत्मदर्शन हुआ है उसका निमित्त नहीं, आत्मदर्शन होने का निमित्त जान करके उसको भी हम व्यवहार करें। जिस घड़े में घी रखा है उसको भी घी का कड़ा कहेंगे। और यदि हम घड़ा नया लेने जाएंगे, भैया एक घड़ा देना अच्छा सा, बोले काय के लिए, वो घी भरना अच्छा, घी का घड़ा वहां भी कहेगा। उसका कभी कोई घी का टच नहीं हुआ बिल्कुल अभी। उसको भी कहेंगे एक डब्बा दुबाई, दुकानदार से जाकर के कहोगे, उसे कोई मतलब नहीं है काय के दूध, जबकि दूध उसमें कभी भरा ही नहीं गया, लेकिन दूध भरने का संकल्प है कि नहीं। भात बना रहा हूं ये भी गलत नहीं है, सर्वथा निगम नय है। क्यों? उसमें भात बनाने का संकल्प हुआ है ना, घी रखने का उसमें संकल्प हो गया, दूध रखने का उसमें संकल्प हुआ है। और उस दुकानदार ने भी सीधा उस लड़के से कहा जो दुकान पर लगा, फिर वो ऊपर रखे ना डिब्बे घी करके ढक्कन के, वो दे दो इनको दूध का, वो चोरी मुंह वाला। मैंने उसने सब समझ दिया, सब समझा दिया। लौकिक में इतने चतुर बनते हैं, सारे व्यवहार समझते हैं, और यहाँ कहते हैं विचार करो भाई। कहना व्यवहार है, जहां कहना शुरू किया व्यवहार आ गया। कथन सापेक्ष है, वस्तु निरपेक्ष है। कथन बिना अपेक्षा के नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इनके प्रयोजन को समझना चाहिए, इनमें विवाद में नहीं पड़नी चाहिए। वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुर कहे सहज का धंधा। अगर आपको सत्य धर्म समझना है तो सत्य वचनों का आदर करना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा। अब देखो समयसार जी में 12वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है, लिखा क्या? जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक यथा पदवी व्यवहार जाना हुआ वो तो ठीक है, वो शब्द भी है, लेकिन तब तक बोलो क्या करें। जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिन बिंब के दर्शन, जिन गुरुओं की संगति इत्यादि व्यवहार प्रयोजनवान है। आप कह रहे जाना हुआ, उसमें एक और शब्द हम बोल दें, यथा पदवी। मैंने इस भूमिका में ये व्यवहार, इस भूमिका में ये व्यवहार। साथ में गुणस्थान वाले मुनीश्वरों का व्यवहार और चौथे गुणस्थान वाले सामान्य ग्रस्तों का, पाक्षिक श्रावक का व्यवहार कोई अलग है। ऐसा व्यवहार उनको नहीं हुआ, जैसे आपने कहा ना
पूजा, आपकी पूजा और मुंडाइयों की भक्ति पूजा अलग प्रकार की है, उनकी भाव पूजा की प्रधानता है। उनकी पूजा में ये द्रव्य आदि के अवलंबन नहीं है, जांच मंजीरा तो है ही नहीं, लेकिन ये अष्ट द्रव्य नहीं है। अरे और तो और, जिन बिंब भी हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है, जंगल में विराजमान अपने ध्यान में मगन, ये स्वयं दर्शनी हो गए। जिन बिंब को देखने का जो प्रयोजन था वह सिद्ध हो गया उनके, नया सीखने वाला पेंटर बनाएगा तो पहले पेंसिल से बना बना करके करेगा, बनाएगा। अब जब उसको अभ्यास हो गया तो सीधा डायरेक्ट ब्रश चलता है। जब वो सिखा अभ्यासी पेंटर का डायरेक्ट ब्रश चल सकता है तो ये बताओ अभ्यासी जीव का डायरेक्ट उपयोग क्यों नहीं चलेगा, डायरेक्ट दर्शन क्यों नहीं होगा उसका। फिर भी जहाँ जिन मंदिर के योग हैं, जिन बिंब विराजमान हैं, उन सबको नमस्कार भी करते हैं और विहार करते हुए जहाँ जिन बिंब आदि हैं, जिन मंदिर हैं, दर्शन भी करते हैं। मुनराज को इरिया संघ की 28 मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुण माने 5 महाव्रत, 5 समिति, शांति रखो भाई, हाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और 6 आवश्यक और 7 ठीक है ना। 5 समिति भी मूल गुणों में, तो 28 मूल गुण मुनराज को हमेशा होते हैं, ठीक है ना। अब जब मुनराज ध्यान में मगन बैठे हैं तो इरिया समिति जब मौन बैठता भाषा समिति और आज आहार के लिए उठे नहीं उपवास है तो ऐसा समिति कहां गई, भंग हो गई क्या, नहीं। अरे ये मतलब थोड़े ही है उन समितियों को पालने के लिए इन क्रियाओं को करना जरूरी हो, वो तो ये है जब चलेंगे तब, जब वे चलेंगे तब इरिया समिति पूर्वक ही गमन होगा, अनर्गल गमन नहीं होगा। इरिया समिति केवल 4 हाथ जमीन देख करके ही चलने की बात नहीं है, किसी लौकिक उद्देश्य से चलो घूमे आए, घूमने के लिए कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। घूमने जाने वाले के इरिया समिति नहीं है, बिना प्रयोजन गमन करने वाले या शरीर के स्वास्थ्य के लिए गमन करने वाले, जरा माइंड फ्रेश करने के लिए गमन करने वालों की इरिया समिति कहां से आई। इरिया समिति तो देव यात्रा, गुरु यात्रा, मतलब कहीं वंदना के लिए जाएंगे, कहीं गुरुजनों के समागम सेवा बने भैयावती समाधि के लिए जाएंगे, कहीं अपने लिए समाधि का स्थान खोजने के लिए जाएंगे, कहीं अपने राग को निवृत्त करने के लिए विहार करेंगे। विहार करने में भी अहिंसा मुख्य रहेगी, लौकिक प्रयोजन नहीं रहेगा। मतलब इरिया समिति रोज में क्या है फिर ये बता, ध्यान की अवस्था में इरिया समिति का क्या होगा, एक तरह की ये समझो अव्यक्त भीतर रखी है, एक कपड़ा आप पहने हो और 4 भीतर रखे, जब उनकी जरूरत हो वो पहने, सभी धोती दुपट्टा पहन लिया, अभी कुर्ता पजामा पहन लिया, हो गया कि नहीं हो गया। तो बेकार जब पूजा करेंगे तब वे पहनेंगे, जब चलेंगे तो इरिया समिति पूर्वक, बोलेंगे तो भाषा समिति पूर्वक ही बोलेंगे। भाषा समिति के अतिरिक्त मौन,
ऐसा कभी नहीं होगा कि बोल रहे हैं और भाषा समिति का ठिकाना नहीं, चल रहे हैं और अपने हाथ में हाथ पकड़ी अपने इधर देख रहे थे, चल रहे अपने आराम से चल रहे, ये कभी नहीं होगा। चलेंगे तब ईरिया समिति ही होगी, तो भाई कहाँ जा रहे, अरे उनके घर तक जा रहे, जरा यार मार्केट देखने जा रहे, इसके लिए कभी नहीं जाएंगे। या वंदना को जाएंगे, या चर्या को जाएंगे, या आहार चर्या के लिए निकलेंगे, बताओ। बिना प्रयोजन कदम नहीं रखेंगे। तो ध्यान में स्थित मुनीश्वरों के ईरिया समिति है कि नहीं है, जो बता, पांच समितियां हैं कि नहीं, चाहे वो स्मरूप प्रवृत्ति हो रही हो या नहीं हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने हिंसा के दो भेद कहे, कहे क्या, एक परिणमन रूप एक अविरमण रूप, एक परिणमन रूप और एक अविरमण रूप। परिणमन रूप का मतलब है जिस समय हिंसा का विचार भी कर रहा हो उस समय परिणमन है, ध्यान रखना। हिंसा की प्रवृत्ति उसका नाम परिणमन ही नहीं, अकेला वो मन से परिणमन हो रहा है ना, मन से, वचन से और काय से, मुख्य रूप से लौकिक में काय के परिणमन को परिणमन कह देते हैं। और ऐसी भी विवक्षा आई है कि किसी जीव ने किसी को मारने का आज भाव किया, हिंसा का भाव, अब वो कदाचित न मर पाए, बीच में कोई प्रसंग हो यही मर जाए, फल पहले और हिंसा बाद में, होता है मार नहीं पाए और पहले ही पकड़ा जाए, धन पहले ही मिल जाए। कई बार बना करके बैठे हैं ग्रो, अपना प्लानिंग कर रहे हैं, उसी समय छापा लगा और सबके सब पकड़े गए, और जिसके लिए प्लानिंग कर रहे वो बिल्कुल साफ बच गया, उसको कुछ नहीं। तो ग्रंथकार स्थूल कथन भी करते हैं, सूक्ष्म कथन भी करते हैं। जिस समय उसका भाव तो हो गया, अब वे अगर ये तर्क दे हैं कि हमने साहब कभी तो अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अरे कुछ नहीं किया तुम कर भी क्या सकते हो, तुमने जो करने का काम था सो कर ही लिया, भाव कर सकते हो सो भाव तो कर ही लिया तुमने, अब क्या है, अभिप्राय तो तुम्हारा खोटा है ही, इसलिए सजा के पात्र हो। हिंसा पहले बाद में और फल पहले, पुरुषार्थ सिद्धि पाद में चर्चा है, हिंसा और भाव साथ साथ में, हिंसा पहले और भाव फल बाद में, ये तो सब दिखाई देता है, लेकिन हिंसा बाद में और फल पहले, तो यहाँ काय की हिंसा संबंधी प्रधानता से कथन किया गया। बाद बाकी तो भैया जिस समय हिंसा का परिणाम है उसी समय हिंसा का फल है, आकुलता। और कर्मबंध की प्रक्रिया को अगर देखें तो उस भाव का निमित्त पाकर के जो कर्म आए हैं और कर्म का बंध हुआ है, आवादा काल के बाद उनका उदय में आएगा तब उसका फल आएगा। इसको हम स्थूल दृष्टान से कहें, चोर जब पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, चोरी के समय ही आकुलता तो होगी, भयभीत तो उसी समय भी है, पकड़ा नहीं जाए तो का भय नहीं है, आकुलता नहीं है, क्रूरता नहीं है। एक परमार्थ सत्य है, सत्य ही है ये समझ लो, और एक अपने व्यवहार नए से कभी उसको किसी अपेक्षा से सत्य कहेंगे और किसी अपेक्षा से वो उसको असत्य आज कहेंगे। जिनागम में भी यही चाहिए, निश्चय नय की प्रधानता से व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा गया है, कहा गया कि नहीं,
और समय सार के हिंदी टीका का ढूंढारी में जयचंद जी पंडित जी क्या लिखते हैं, भैया अगर उस व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ माने तो गाढ़ा मिथ्या दर्शन है, उस व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानने वाले गाढ़े मिथ्या दर्शन है। और सर्वार्थ सर्वथा सत्यार्थ मान लेने वाले ये तो हैं ही गाढ़े। थोड़ा सा जीवन में भी सावधान रहना चाहिए, हमारी आदत बहुत खराब हो गई। क्या अपन ने जो समझा दूसरे ने कुछ कहा ये तो गलत है, कुछ नहीं सब गलत, सब गलत। एक अपनी समझी हुई विवक्षा को सत्य कहना और अन्य विवक्षाओं को गलत कहना, सर्वथा उड़ा देना, उनके प्रयोजन को न समझना, ये भी जिन शासन का द्रोह है। पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका करते हुए क्या लिखा, जो जिन वचनों का भी त्यागवाद रहित श्रद्धान करते हैं वे जिन वचनों का फल को प्राप्त नहीं कर पाते। मने अगर सर्वथा सत्यार्थ मान ले बे तो उस बीच के आने वाले व्यवहार के बिना ही परमार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, कब प्राप्त कर पाएंगे? और अगर उसको सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे, कुछ नहीं यही सही है, यही धर्म है और क्या धर्म है, तो वे जीव कब धर्म को प्राप्त कर पाएंगे? देखो ये बातें हम जो कह रहे हैं विचार करने की हैं, धर्म की पहचान कहाँ करना, अंतर की दृष्टि कहाँ है, अंतर के संस्कारों की प्रधानता है। हम पूजा रोज पूजा करते हैं, बिना दर्शन पूजन के भोजन नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम बाजार का नहीं खाते, रात में नहीं खाते, हम दो बार ही खाते हैं, हम एक बार ही खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। खाते हैं ये बताओ, खाते हैं कि नहीं खाते ये बताओ पहले। जैन दर्शन में तो हम मानते क्या हैं ये बताओ पहले। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं पहनते, चमड़ा नहीं पहनते, रेशम नहीं पहनते, हम कुछ नहीं पहनते, हम प्योर सूती कपड़े पहनते, और सो भी भाई अपने हाथ का वो पहनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम कब मान्यता दें। लेकिन अहंकार बुरा है, अहंकार बुरा है। आप मानते क्या हो अपने को ये बता दें। धर्म का प्रारंभ यहां से होगा कि भैया हम देह से भिन्न आत्मा मानते हैं कि नहीं अपने को ये बताओ, कहीं भ्रम में मत पड़ जाना, बहुत धर्मात्मा। लौकिक में भी कभी कभी हम क्रियाओं की सूक्ष्मता भी करने लगते हैं, दो चार क्रियाओं की, लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारा सी, हमारी संकल्पी हिंसा, हमारा असत्य बच का त्याग, उसका कुछ ठिकाना नहीं पड़ता, तो हंसी के पास हो जाते। ठीक है, पाठ हो जाए। हमारा धर्म अहिंसा प्रधान है, और वो अहिंसा को पालने के लिए ये चार साथ में चलेंगे तब अहिंसा पड़ेगी। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग, तब वो महाव्रत बनेंगे, और परिग्रह का परिमाण और ब्रह्मचर्य अनुव्रत या स्वधार संतोष जब है तब वो अहिंसा फल पाए। ये चार व्रत भी अहिंसा के लिए है। आप आ गए और कहने लगे हमको ब्रह्मचर्य दे लो, पहले स्वाध्याय करो, पहले ब्रह्म को समझो, समझो ब्रह्म स्वभाव से स्वयं में आनंद रूप है, तब ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे। देह को अपना मानने वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। देह को अपना मानने वाला
वो ब्रह्म समझ ही नहीं रहा तो ब्रह्मचर्य कहां से होगा। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या। अब तुम देह को आत्मा माने बैठे हो, कैसे ब्रह्मचर्य होगा तुम बताना भाई। साहब हमको हाईस्कूल का फॉर्म भरना है, कुछ आठवां पांचवा कुछ हुआ है कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल कोरे हैं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब वहां नौ के बिना दस नहीं होगा तो यहां नौ धर्मांगों के बिना दसवां धर्म अंग कहां से आया है। पालना है ब्रह्मचर्य, दर्द है आंख में और भैया ये दवा खाना, ये लगाना वो लगाने की अलग है, डालने की अलग है, और ये खाना सब आंख में है मुंह में थोड़ी ही कुछ के पागल। आंख अलग है और मुंह अलग है क्या, पेट अलग है क्या, पेट कोई अलग हो, आंख अलग हो और मुंह अलग हो ऐसा नहीं है। अलग अलग भी हैं और एक भी है, क्या मतलब हो गया समझ में नहीं आती कि यही तो त्यागवाद है। दर्द आंख में है और ये खाना, दर्द घोटू में है और ये खाना, अब बता ये क्या बात होगी। अरे घोटू में तो घोटू का कुछ करो भाई, कि घोटू अलग नहीं है, सर्वथा अलग नहीं, अलग नहीं है माने सर्वथा अलग नहीं। जब वहां अलग नहीं है सर्वथा तो यहां क्यों अलग अलग कर रहे हैं। सत्य पाले बिना अहिंसा पाल सकते हो आप, सत्य समझे बिना, सत्य को समझे बिना अहिंसा नहीं पाल पाओगे। सम्यक दर्शन के बिना जो लोक व्यवहार में क्षमा कही जाती है, क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, वह भी क्षमा धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक अपने को आत्मा समझते हुए, सर्व जीवों को आत्मा समझते हुए, अपने परिणाम में होने वाले औदयिक भावों को भिन्न जानकर, उसके परिणाम में होने वाले औदयिक भावों को भिन्न जानकर, जो दुखी होने की प्रवृत्ति और दुखी सामने वाले के दुखी होने की प्रवृत्ति, उनकी निवृत्ति के लिए क्षमा भाव किया गया, तब क्षमा है। अब न अपने को आत्मा समझा न दूसरे को आत्मा समझा तो काहे की क्षमा। उदयन राजा का एक प्रसंग आता है, चंड प्रद्योत को पकड़ करके जेल में डाल दिया, उत्तम क्षमा का दिन आया, जेल में क्षमा मांगने पहुंचा, जेल में चंड प्रज्योत से क्षमा मांगने के लिए पहुंचा। चंड प्रज्योत हंसा, भाई हंस क्यों रहे, तो ये कौन सा क्षमा का नाटक है। अरे क्षमा राजा राजा तब क्षमा तो है। उदयन ने तुरंत समझ लिया, इसकी बंधन छोड़ो, स्वतंत्र करो, तब तो क्षमा मांगे। आपके इस विधान में क्षमा के प्रसंग में क्या लिखा, रक्षण, एक इंद्री से क्षमा माने एक इंद्री की रक्षा कर रहे, और हम दूसरा और भाव बता रहे हैं इसमें क्या, जिस परिणाम से एक इंद्री बनना पड़ता है उस परिणाम से भी अपने को बचाओ भाई। एक इंद्री की रक्षा तो करी तुमने सो तो ठीक है, लेकिन जिस परिणाम से एक इंद्री बनता है उस एक इंद्री में ले जाने वाले परिणाम से अपने को बचाना, तब क्षमा भाव है। उसने कहा तुरंत स्वतंत्र करो, बंधन खोलो। अब क्रोध में आकर के उसकी कोई दासी को हरण कर ले गया था वो, तो क्रोध में आकर के उसने सलाका से खुदवा दिया था दासी पति। चंड प्रद्योत बोला अब इसका क्या होगा, तो भाई राज इसके ऊपर मुकुट बांधो और क्या होगा।
वचन की संभाल करना चाहिए, वचन की संभाल। वचन की संभाल नहीं कर पाओगे तो आप परिणाम की संभाल भी नहीं कर पाओगे। लौकिक में वचन का प्रभाव लिखा, एक वचन औषधि करे, एक वचन करे घाव। अरे मंत्र जिनको कहते वो भी वचन ही तो हैं। बहुत अंतरंग का अभिप्राय निर्मल हो तब ये सत्य वचन की पात्रता आती है भैया। सत्य वचन, सत्य धर्म जिनको नहीं प्रकट हुआ वे कैसे बोल पाएंगे? तो उन जीवों के जिनके अंतरंग में सत्य धर्म है, तो उन जीवों के अंतरंग के परिणाम का उपचार काय में किया, बोलने के भाव में, और बोलने के भाव का उपचार काय में किया, बोलने की क्रिया में, उन वचन को भी जारी कर। यहां एक लाइन है देखो, सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। सत्य धर्म, वो सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। और दया धर्म में सब धर्मांतर कर भी समझ करके समझना, क्यों कि जितना जो धर्म प्रकट होगा तो वो किसी के वचन सुनेंगे, जब किसी के कान में जिनवाणी पड़ेगी तभी उसे उत्थान का मार्ग प्रारंभ होगा, ये समझ लेना। देशना लब्धि के बिना, देशना लब्धि के बिना माने उपदेश के बिना, पहले भले निसर्गज भले सम्यक दर्शन हो लेकिन निसर्ग में पहले सुनी होगी उसने, वर्तमान में अभी नहीं सुना लेकिन पहले सुनी होगी। देशना लब्धि के बिना प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि और सम्यक तो, और ये चार इतर कहां से आएंगे ये बता। इसलिए व्यवहार के प्रसंग में पंडित जयचंद जी ने क्या कहा, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों का सुनना, जिन बिंब के दर्शन, जिन गुरुओं की संगति इत्यादि कार्य प्रयोजनवान है। धर्म का स्वरूप समझना है, धर्म करना है, अगर आपकी भाषा में हम कहें तो धर्म करना हमें, तो धर्म करने से पहले धर्म को समझोगे कि वैसे ही धर्म करने लगोगे? ध्यान रखना, हम इस बात को बहुत गौण करते हैं। करते क्या हो आप, हम मुख्य कर रहे हैं, मानते क्या हो? मान्यता बदलो, मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। और ध्यान रखना, जिसकी मान्यता बदली है उसकी सारी प्रवृत्ति बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, आंशिक रूप से बदलेगी, कितनी बदलेगी, कैसे बदलेगी वो अलग बात है, लेकिन जिसकी मान्यता बदल गई उसके फिर लोक निंदकार तो होंगे नहीं कभी। मान्यता जब बदल गई तो आपकी प्रवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आप इधर जा रहे हो और हमने कहा यहाँ है, तो आप ऐसे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? आपकी दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? श्रद्धान बदलेगा तो प्रवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब तुम कहो श्रद्धान बदलते ही सारी प्रवृत्ति बदल जाए, ऐसा तो नहीं होता, उसमें क्रम है आचार्य क्रम। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कछु नहीं बदली, वैसी की वैसी, लेकिन नहीं, वैसी की वैसी नहीं, बहुत कुछ बदल गई हो। अरे कसाय कसाय लगने लगे, दुख दुख लगने लगे, ये समझ लो बहुत बड़ा काम हो गया। अभी तो उसमें आपको शोभा लगती है,
उन कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा लगती है, बड़प्पन लगता है, ऐसा लगता है अंग्रेजी भाषा बोलो तो हम बहुत बड़ी फॉरवर्ड हो गई। ये तो बैकवर्ड लोग हैं, पुराने लोग गांव के लोग, ये क्या जाने बेचारे, आजकल क्या होता है, इसमें क्या हो गया। इस मानसिकता ने समाज में बहुत बड़ी विकृतियां पैदा की हैं। जो दोष हैं वो दोष नहीं लग रहे, वो दोष लग इनमें क्या हो गया, ऐसा तो सब करते हैं, सबकी ओर देखने लगे, ना भगवान की ओर देखा, ना जिनवाणी की ओर देखा, ना अपनी परंपरा की ओर देखा, ना अपनी ओर देखा, सब ऐसा सब करते हैं। और पूछो सब करते हैं तो कौन करता है, होंगे कोई तुम्हें जैसे। ये कोई बात है ही, एक महाराज निकले, एक किसान बैठा आसो, महाराज हुक्का पियो, महाराज जैन महाराज जैन साधु हुक्का हुक्का नहीं पीते, भाई हुक्का तो सब साधु पीते, अब वो क्या कह रहा, हुक्का तो सब साधु पीते, अब ये बता कौन से साधु पीते बता। इसी भाषा में आप प्रयोग करते हो, ऐसा तो सब करते हैं, हम भी सब में शामिल है का, हम तो नहीं कर रहे। अरे आपकी बात अलग है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मुनिराज अरे उनकी बात अलग है, तो फिर अब सब तो नहीं रहे। अरे इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार करो, हमारे कुल में छोटा बालक भी ऐसा नहीं करता, सिद्धों से लेकर के कोई अविरत सम्यक दृष्टि क्या भद्र परिणामी ऐसे खोटे काम नहीं करते, जिन्हें देव गुरु धर्म की थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति ही है, जिनको ये आदर है हम जैन है हम गौरव है, वे भी ऐसा काम नहीं करते। मान्यता बदलनी होगी, ऐसा तो सब करते हैं, सब नहीं करते, सब में तो सिद्ध भगवान भी हैं, पंच परमेश्वर भी हैं, इतने गुणस्थान हैं, इन गुणस्थान वाले जीव भी हैं, कैसी बातें कर रहे, सब करते हैं। तो सत्य धर्म कितना है, सद्दृष्टि सद्ज्ञान और सद्व्रत चारित्र, छह डाला में से बोलना सत्य धर्म कितना है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पनो, बस इतना ही सत्य धर्म है। वो 144वीं गाथा है ना टीका में क्या लिखा, इतना ही बस आत्मा है, इतना ही सम्यक दर्शन है, इतना ही सम्यक ज्ञान है। आत्मा चतावा नयम, पीछे जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। इतना ही सत्य धर्म है, जितना आत्मा है बस इतना ही है। फिर सिद्धांत कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान कि आत्मा हूं, और चारित्र में मैं आत्मा हूं। ये जो कहावत कही गई लोक में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो प्रयोजन परक है। अगर त्यागवाद से लगो तो ठीक है, और बिना त्यागवाद के करो तो एकदम विपरीत है। आप कैसे कहते हो जगन मिथ्या, जगन है ना, है द्रव्य है कि नहीं है, चार गतियां हैं कि नहीं है, ये नाना प्रकार के भोग संयोग हैं कि नहीं है, आप मिथ्या कैसे कह सकते, ये मिथ्या नहीं है। बोलो क्या मिथ्या है, इनमें सुख मानना मिथ्या है, इनको अपना मानना मिथ्या है, क्यों भैया बोलो क्या मिथ्या है, इनको अपना मानना मिथ्या, ये नहीं है ऐसा नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये मिथ्या होंगे तो आप भी मिथ्या हो जाओगे,
इनको अपना मानना मिथ्या है, इनमें सुख मानना मिथ्या है, इनका कर्ता मानना मिथ्या है। अरे भाई बचाओ, मिथ्या के कितने भेद, तीन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और एक भेद और कर लो, मिथ्या वस्तु। कर सकते हो? नहीं कर पाए। मिथ्या वस्तु कोई होती नहीं, मिथ्या और वस्तु, असत और वस्तु नहीं होती। तो साहब त्यागवाद में कहा है सत और असत, कि हाँ इस सत की अपेक्षा वो सत नहीं है, माने वो सत तो है, नींबू आम नहीं है, लेकिन आम आम है, नींबू नींबू है, ये कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हम। नींबू आम नहीं है, जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव नहीं है, लेकिन शरीर भी है और जीव भी है कि नहीं है, कुछ नहीं होता कर्म फर्म। अरे कुछ नहीं क्या होता, कर्म कर्म है, कर्म धर्म नहीं है, कर्म धर्म नहीं है एक बात, और कर्म बेईमान नहीं है, ध्यान रखना। कर्म बेईमान नहीं है, जैसे कर्म बांधे हैं उसका उसी प्रकार में उदय आएगा, उस कर्म में वो काम होगा। अगर असाता वेदनी का उदय है, आप इष्ट संयोगों को जुटाते जुटाते विकल्प करते रहना, परेशान हो जाना, एक भी संयोग नहीं मिलेगा, एक जोड़ोगे तीन छूटेगा। साता का उदय, जिसका पुण्य का उदय है, उसका कोई कितनी ईर्ष्या करे ये ऐसा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, जिनमें किया वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कर्म इतने ईमानदार है। साता के उदय में साता का कार्य होगा, असाता के उदय में असाता का कार्य होगा। बोलो, ज्ञानावरण कर्म के उदय में ज्ञानावरण कर्म का कार्य होगा। पैसा वाला हो, स्वस्थ हो, ऊंचा पद हो, जय जयकार हो रही हो, और ज्ञानावरण का कर्म ज्ञानियों से ईर्ष्या की हो, ज्ञान का आसाधन किया हो, ज्ञान को छिपाया हो, बहुत लोगों की आदत होती है, हम ही हम, इनको नहीं बताना, इनको नहीं जाना, नहीं, ज्ञान का आसाधन करोगे तुम्हारा ज्ञान ही रुकेगा, ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। भैया ये सवाल हमको समझा दें, लाओ आ जा समझ, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, ये क्यों सोचते हो? अरे इसको बता देंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, वो एक तो तुम्हारा उपकार मानेगा, और क्या होगा, भला होगा और कुछ नहीं होगा, और तुमने नहीं बताओगे तो भी, भैया कहीं धंधो बताओ, हमें बता दे, क्या करें, बहुत परेशान है अभी, हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम है, किसी दूसरे से पूछेगा करेगा, करेगा तो है, लेकिन तुमने धंधा नहीं बचाया है, उसको अजीब का मंत्रा किया है, तो तुम्हें धंधा नहीं मिलेगा, समझ गए ना, तुम्हारी आजीविका में जरूर अंतराय होगा, वो अंतराय कर्म इतना ईमानदार वो आकर के अंतराय कर देगा, जबरन तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, ये समझ लो, अगर खोटी सलाह दोगे तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, ये तो उसके विवेक के ऊपर है, वो माने नहीं माने, वो नहीं मानेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक फेंक करके हमने पत्थर फेंका आपके ऊपर, आप हट गए, कुछ नहीं, आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, चार जने क्या कहेंगे, क्या करते हो, ऐसी गुस्सा करते हो आप, अभी उसका सिर फूट जाता तो क्या होता, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप सरक गए थोड़ी से, लेकिन पत्थर फेंकने वाले पर कितने पत्थर फेंकेंगे, उस पत्थर फेंकने वाले पर कितने पत्थर फेंकेंगे ये सोचना,
आत्मा उदार होता है, ज्ञान उदार होता है, तो ज्ञानी भी उदार होता है। मज्जन्त निर्वर्ममी सम्येव लोका आलोक मुच्छल शांत रसय समस्ता। एक बार पहले भी हमने कहा, आज फिर कह रहे भैया, देखो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति सर्वांग से होती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खाली मुंह से नहीं। का तुम मुंह से कुछ कहोगे और तुम्हारी चेष्टाएं अलग होंगी, तुम्हारा चिंतन अलग होगा, आप धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं कर पाओगे। करिए सरल से योग अपने देख निर्मल आरती, सरल बनाओ, वही कहो जो सोच रहे हो, जो भला सोचो, कह सको वही सोचो, जो कह सको वही सोचो और जो कर सको वही कहो। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण ये सत्य वचन है। एक वचन न होता है ना, एक शब्द न, एक शब्द न और एक कौन से होते भैया, इतना तो अभ्यास है भाई आपका, शब्द न अर्थ न और ज्ञान न। शब्द न और अर्थ न काय के लिए है, ज्ञान के लिए। ज्ञान कहा था ना, जिनवाणी ज्ञानी कौन के द्वारा रची गई है और ज्ञानी होने के लिए लिखी है, ये लाइनें लिखी है, एक धर्म बुद्धि वालों ने लिखी है, तब तो धर्म की लाइनें लिखी और पढ़ करके समझने के लिए लिखी है, सजाने के लिए। इस भवन को सजाने की नहीं है, इस भवन को सजाने की बात नहीं है, ये जीवन सजाने के लिए लिखी है। एक पढ़ो और विचार करो, पढ़ो और विचार करो। अरे तुम्हारे सूतक पातक हैं, या तुम बिना पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो, आंखें कमजोर हैं, सांस जब निकाल पाओगे तब पढ़ पाओगे, ये खुली सांस है, खुली किताब जिसको कह देती लौकिक में। ये किसने लिखी है, ये तो पेंटर ने लिखी, वो हम नहीं कह रहे। ये किसने लिखी है, हम ये पूछ रहे कि आपने लिखी है। अरे आपने नहीं कह रहे, हम किसने लिखी है, आपने और तुमने, हमने नहीं। ये हमारी रचना है, ये तुम्हारी रचना है, ये पीछे कर दो, जिनको आगे कर दो, ये सब बहुत गलत राजनीति है। अच्छा किसी का हो, अच्छा मने अच्छा, इतनी उदारता रहना चाहिए। हम ये पूछ रहे ये किसने लिखी है। अरे इन शब्दों का नियोजन यहाँ हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन किसने लिखी है, जिसने लिखा है उसने लिखा है, समझ में आया, जिसने लिखा है उसने लिखा है। अच्छा चलो ये लाइन छोड़ो, आमिको खल शुद्धो लिम्बमो राण दंसन समग्गो, किसने लिखा है, चाहे वे कुंदकुंद स्वामी ने लिखा हो, चाहे संस्कृत में पूज्यपा स्वामी ने लिखा हो, चाहे हिंदी में हिंदी की, किसने लिखा है, जिसने लिखा है उसने लिखा है, तो लिखने के लिए लिखा है। काय के लिए लिखा है, ज्ञानियों ने ये शास्त्र रचे हैं तो काय के लिए, ज्ञानी होने के लिए। तो वस्तु का स्वरूप ये त्रैकालिक सत्य है, ये समझो। उमा स्वामी महाराज ने सत असतौ रसिसात यद्रक्षोपलब्धि रुन्मत वत् आया सुन, किस प्रसंग में, मत सुता बधियो विपर्यस्य, मति श्रुति अवध ज्ञान विपरीत भी होते हैं, कुमति को सुत होते ना, तो महाराज विपरीत क्यों होते हैं, कि सत असत, सत और असत का
विवेक नहीं होने से उन्मत्तवत सत को असत और असत को सत मान रहे, माने पर को अपना मान रहे, अपने को पर मान रहे, हे को बाधे मान रहे, उपाधे को हे मान रहे। पागल कुछ भी कह सकता है, कभी सही भी कह दे, मतवाला माता को माता भी कह दे तो कब आ, उसे पता थोड़ा ही माता कह दी गई, वो तो कह दिया। निर्णय पूर्वक कहे तब वो सत्य है, तब वह उन्मत्त नहीं है, निर्णय पूर्वक सत्य है। तो अंदर में जो निर्णय है, निश्चय है, ज्ञान है, वह तो है धर्म, और जो कहना है वो वचन, कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत है, याते हम लाचार। सिद्ध चक्र विधान में सबसे लास्ट में लिखा क्या कहें, कितना कहें, कहना है व्यवहार, और सो व्यवहारातीत है, सिद्ध भगवान व्यवहार से परे हो गए, याते हम लाचार। ये तो हम थोड़ी सी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, कह रहे हैं, बात बाकी हम क्या करें। अमृतचंद स्वामी ने कहा जोर शोर लगा करके, पूरी ताकत लगा करके जो कुछ कहा गया तो कहा गया है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है मानो कुछ कहा ही नहीं गया हो, अग्नि में जैसी डाली गई घी के समान, आहुति के समान, स्वाहा 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 है, कछु नहीं, उड़ गया, खत्म, अभी कुछ कहा ही नहीं। ईंधन की तो राग है, उसे मालूम पड़ा इतना ईंधन जल गया, लेकिन आग के बाद का दृश्य भयानक होता है, आग के बाद का दृश्य भयानक होता है, चाहे यहां आग लगी हो चाहे वहां आग लगी हो, भयानक होता है। तो परिणामों में आग लग जाए तो भयानक नहीं होता, कथा आ गई समझ लो, भयानक हो जाएगा चेहरा आपका, वचन बिगड़ जाएंगे, बस में नहीं रहोगे। ये भूत पिशाच यही है अध्यात्म में हमारे, तो सत्य स्वभाव, स्वभाव तो सत्य है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं, अकृत्रिम है। क्या सत्य है बोलो? अरे सवेरे की तरह बोलता तो भैया टाइम हो गया, अरे भाई आत्मा आत्मा है, शरीर 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 है, पर है, स्व स्व है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही वस्तु को साथ, ये सत्य है ना। और ऐसी प्रतीति होना, ऐसी अनुभूति होना, ऐसा ज्ञान होना, और ऐसे ज्ञान पूर्वक पर से विरक्त होना, स्वरूप में भावना होना, ये सत्य धर्म है। और ऐसा सत्य धर्म जिसके जीवन में प्रकट हुआ तो कोरा तो होगा नहीं, आनंद भी होगा साथ में, आनंद होगा कि नहीं, और जिसको आनंद होगा जब नहीं रह पाएगा तो क्या करेगा, ऐसा आनंद तो सबको हो, तब उसके वचनों के द्वारा उस सत्य धर्म की और धर्मी की प्ररूपणा होती है, उस परूपणा को सत्य वचन कहते हैं। और उससे जुड़े हुए जितने वचन है वे उपचार 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 वो सत्य कहे जाएंगे, और उससे विपरीत वचन जितने होंगे वे सब असत्य जाएंगे। कितनी बार तो कह गए अविरमण और परिरमण, आज ही थोड़ी कह रहे हैं, समझ में आया? जिस समय कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस समय वो परिणमन रूप है, और कर भी नहीं रहे और सोच भी नहीं रहे, मन में भी नहीं है और त्याग नहीं है, तब तक अविरमण रूप है। आप भोजन कर भी नहीं रहे, भोजन के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे, और भोजन के बारे में सोच भी नहीं कर रहे, ईमानदारी से अपना स्वाध्याय सुन रहे, लेकिन अगर त्याग नहीं है तो भोजन कर रहे अविरमण। आप दुकान पर व्यापार नहीं कर रहे, व्यापार की चर्चा नहीं कर रहे, फोन पे भी नहीं कर रहे, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन त्याग तो नहीं है अविरमण। और मोटा समय ना हो तो आप यहाँ मंदिर में बैठे हो, खेत पर बैठे हो, स्वाध्याय सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, हैं?
गृहस्थ और त्यागी, त्याग तो नहीं इसलिए गृहस्थ, यहां बैठे भी गृहस्थ हैं। और मुन्ना आपके महल में भोजन करने पहुंचे आहार लेने, और वहां आपके महल में खड़े हैं त्यागी, मेरे महल में रहते हुए त्यागी हैं, तो आप यहां रहते हुए जंगल में रहते हुए भी ग्रस्त हैं। यह है परिणाम अवलंबन, विचार न भाई। ओम नमः, भक्ति है क्या कहें भाई, ये भक्ति तो है, हम क्या कहें। चलो खोलो पर्दा, भक्ति के लिए भगवान, दृष्टि के लिए भीतर का भगवान, और भक्ति के लिए बाहर के भगवान। चलो आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर जिनेन्द्र की, विदेही नाथ सीमंदर भगवान की, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, बोलो भाई, क्षण क्षण दर्शन, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, प्रभु वर रहो नयन पथ गामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, हो जिन स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, नहीं विस्मरण निज का होवे, नहीं विस्मरण निज का होवे, अहंकार नहीं पर में होवे, अहंकार नहीं पर में हो, ज्ञाता रूप अनुभवु स्वामी, ज्ञाता रूप अनुभवु स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, अपना सुख बेदूं अपने में, अपना सुख बेदूं अपने में, कभी कल्पना करूं न पर में, कभी कल्पना करूं न पर में, उदासीनता सहज हो स्वामी, उदासीनता सहज हो स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, कार्य स्वयं ही होते जानो, कार्य स्वयं ही होते जानो, करता भाव कभी नहीं मानो, करता भाव कभी नहीं मानो, साक्षी भूत रहूं हे स्वामी, साक्षी रहूं स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, समझे बिन भव भव भर माया, समझे बिन भव भव भर माया, महाभाग्य जिन वर को पाया, 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 वस्तु स्वरूप लखूं हे स्वामी, वस्तु स्वरूप लखूं हे स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप, सम्यक ज्ञान महा
महासुख रूप, सम्यक ज्ञान महासुख रूप, त्यागवाद मय श्री जिन वाणी, त्यागवाद मय श्री जिन वाणी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, दस लक्षण मय धर्म पिछाना, दस लक्षण मय धर्म पिछाना, साम्य भाव में गर्वित जाना, साम्य भाव में गर्वित जाना, धर्मी शोधा तम अभिरामी, धर्मी शोधा तम अभिरामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, अविरल आत्म स्वरूप स्वभाओ, अविरल आत्म स्वरूप स्वभाओ, अविरल आत्म स्वरूप स्वभाओ, अविरल आत्म स्वरूप स्वभाओ, तज प्रपंच सब आत्म ध्याओ, तज प्रपंच सब आत्म ध्याओ, मग्न रहूं अपने में स्वामी, मग्न रहूं अपने में स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, दर्पण निर्मल दर्पण सम अविकारी, निर्मल दर्पण सम अविकारी, निर्मल दर्पण सम अविकारी, निर्मल दर्पण सम अविकारी, प्रभु चरणों में धोक हमारी, प्रभु चरणों में धोक हमारी, परिणति प्रभु सम हो सुखदानी, 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 प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, क्षण क्षण दर्शन हो जिन स्वामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, प्रभुवर रहो नयन पथ गामी, चलो शांतिनाथ भगवान की जय।